नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, सुबह सुबह के वीडियो में सभी अखबारों की जो सुर्खियों में खबरें होती हैं शिक्षा जगत से और आपके रोजगारों से संबंधित, उनके बारे में ये वीडियो होता है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह पहला वीडियो हमारा इसी पर संबंधित होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित बहुत सारी इसमें खबरें हैं, और जो लोक सेवा आयोग की भर्ती चल रही है वहाँ पे एलटी ग्रेड है, आरओ है, यूपीपीसीएस है, पीसीएचजे है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ शिक्षकों के कुछ रिजल्ट आए हैं उच्चतर शिक्षा आयोग के, और अनुदेशकों के बारे में भी कुछ बात करेंगे, और अन्य खबरें भी रहेंगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली न्यूज ये है कि यूपीपीएससी की सफाई शुरू हो चुकी है, यानी कि अनुसचिव को निलंबित किया गया है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर प्रभात कुमार की नियुक्ति हुई है, तो डॉक्टर प्रभात कुमार ने सफाई का काम बिल्कुल शुरू कर दिया है, एक्शन में आ गए हैं, और जो भी भ्रष्ट अफसर हैं उनको उनके ऊपर सख्त एक्शन ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक, देखिए जो छपा हुआ अखबार है उसको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्याप्त गड़बड़ियों की सफाई करने आए नव नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार एक्शन में आ गए, और कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उन्होंने अपने सफाई की शुरू की। परिसर व विभागों में गंदगी मिलने पर उन्होंने विविध प्रकोष्ठ के प्रभारी व यूपीपीएससी के पीआरओ का जिम्मा संभाल रहे अनुसचिव सुरेंद्र उपाध्याय को निलंबित कर दिया। सुरेंद्र उपाध्याय के ऊपर आयोग के अंदर जिम्मेदारी और खान पान के व्यवस्था थी, इसलिए उनको सफाई सही से ना करवाने के लिए उनको निलंबित किया गया, क्योंकि आयोग के परिसर में जगह जगह पर गंदगी पाई गई जब भ्रमण किया डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने। और इसके साथ साथ उनको फटकार भी लगाई गई है निलंबित करने के साथ साथ। सुस्त प्रक्रिया में अब तेजी की आस है कि डॉक्टर प्रभात कुमार के जो काम करने का तरीका है उसमें वो तेजी लाते हैं, और डॉक्टर प्रभात कुमार इसके पहले भी कई विभागों के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके पहले 68,500 की शिक्षक भर्ती में आप देख चुके हैं इनको, जिन्होंने उस फॉर्म में अप्लाई किया होगा उनको मालूम होगा। और इस विभाग में जब डॉक्टर प्रभात कुमार आए हैं तो इसमें जो स्थिति है इस समय की, वो पेपर लीक मामले से स्थिति बिगड़ गई है। और पेपर लीक मामले में आपको पूरी इसकी न्यूज मालूम है कि 1347 लोगों का रिजल्ट निकल चुका है, और करीब 400,000 के आसपास लोगों ने परीक्षा दी थी। अभी 8 विषयों के रिजल्ट जारी होने हैं। कौन कौन सी परीक्षाएं लंबित पड़ी हुई हैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हैं, पीसीएस 2017, एपीयू 2018, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 और 17, एजेई 2013, प्रोग्रामर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप ए बी 2019, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज 2017, अपर निजी सचिव 2013, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019, सहायक कुल सचिव 2018, डेंटल सर्जन 2018, ये सभी परीक्षाएँ रुकी हुई हैं, और इन परीक्षाओं को पूरा करना इनकी प्राथमिकता में है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने प्रदेश के अशासकीय डिग्री कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 47 की लिखित परीक्षा के 17 विषयों का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा के दौरान OMR विषय में का विवरण नहीं भरने वाले अभ्यर्थियों को आयोग ने मूल्यांकन नहीं किया। ऐसे 78 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विषय का उसमें उल्लेख नहीं किया अपनी OMR में, तो उनका मूल्यांकन नहीं किया गया है। जो संस्कृत विषय है इसका रिजल्ट जारी किया गया, 17 पद थे, 92 सामान्य वर्ग के, और SC ST के 11 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। चित्रकला के 2 पद थे, इसमें सामान्य वर्ग की 10 महिला अभ्यर्थी सफल हुई हैं। संगीत गायन विषय में सामान्य वर्ग में 5 महिला अभ्यर्थी सफल हुई हैं। मनोविज्ञान के 6 पदों के लिए सामान्य वर्ग में 39 अभ्यर्थी, दर्शन शास्त्र में 3 पदों के लिए सामान्य वर्ग के 17 व SC ST के 6 महिला अभ्यर्थी सफल हुए। रसायन विज्ञान के 5 पदों के लिए सामान्य के 26 अभ्यर्थी सफल हुए। वनस्पति विज्ञान के 2 पदों के लिए सामान्य वर्ग के 10 अभ्यर्थी, प्राणी विज्ञान में 2 पदों के लिए 13 अभ्यर्थी,
गणित के 9 पदों के लिए सामान्य से 46, ओबीसी से 5, भौतिक विज्ञान में 3 पदों के लिए सामान्य से 15 अभ्यर्थी, कृषि रसायन में 2 पदों के लिए सामान्य से 26 अभ्यर्थी, कृषि अर्थशास्त्र में 5 पदों के लिए सामान्य से 26 अभ्यर्थी, किसी प्रसार विषय के लिए 3 पदों के लिए सामान्य से 15 अभ्यर्थी, उद्यान विषय के 3 पदों के लिए 18 अभ्यर्थी, पशुपालन एवं दुग्ध विकास के 3 पदों के लिए 15 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। अब जो अतिथि शिक्षक हैं वो 70 वर्ष तक अपनी सेवा दे सकते हैं। प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षकों की कमी को देखते हुए निर्णय लिया गया है ये कि जो अतिथि शिक्षक हैं वो 70 साल तक अपनी उनकी जॉब कंटिन्यू रह सकती है, यानी 70 साल तक वो लोग पढ़ा सकते हैं। व्यावसायिक शिक्षकों को 60 वर्ष के बाद नियुक्त नहीं किया जाता था, लेकिन अब उनको नियुक्त किया जाएगा और वो 70 साल तक अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और अच्छी न्यूज है कि अनुदेशकों का जो वेतन है उनको 17,000 वेतन ही मिलेगा। अभी बीच में 7,000 की बात आ गई थी, लेकिन 17,000 उनको वेतन मिलेगा अनुदेशक जो है उनको, और जो पुराना वेतन उनको कम दिया गया उसका भी एरियर उनको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी खबरें जो आज के समाचार पत्रों में थी और इसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया। दोस्तों अगले वीडियो में कुछ और खबरों के बारे में चर्चा करेंगे, या कुछ और इम्पॉर्टेंट अपडेट आएगी तो उसके बारे में वीडियो के माध्यम से उपस्थित होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।